घर के अंदर बम मार देंगे, बाहर आइए कि नहीं हो वो सोच रहा हूँ। ऐसे गाँव वाला, गाँव वाला नहीं आ रहा है। तो हेलो गाइस, ये है नया दिन और आज का नया ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में फिर वही जो हमारा डेली का रूटीन होता है, पहले हम साई प्लाजा जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ के कुछ काम निपटा के फिर वापस से यहाँ पे आएंगे। और आज मतलब आज की रात जो 12 बजेगा उसमें विकास भैया का बर्थडे है, तो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन उसका भी है, तो उसका भी तैयारी करना है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है लाइफ पूरे दिन में, लाइफ में तो फिर क्या ही हो रहा है। तो गाइस आ चुके हैं औराई में, और आज थोड़ा सा मौसम जो है थोड़ा सा मतलब 43 था तो आज 38 पे आया, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा कम है, और हवा भी थोड़ा अच्छा चल रहा है, तो मौसम थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। इलायची खाओ, इलायची खाओ, खिला दो, मैं कुछ खाओगे। तो गाइस वापस से मतलब अभी घर पे आ गए हैं, और पापा को ड्रॉप करके हम वापस से निकले हैं अभी कहाँ पे, जैसा कि सुबह से हम बोल रहे हैं कि विकास भैया का बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है। तो पहला तो एक सबसे बड़ा कांड ये हो गया कि हम लोग जो है बढ़िया केक एक ऑर्डर किए थे, क्योंकि मतलब उसका जो नाश कर दिया यहाँ का केक वाला सब। मतलब ऐसा है कि अगर आपको क्या बोला जाए, जैसे कि आपको बनवाना है फॉर्चूनर, ठीक, और आपको ऑल्टो बना के दे दें, तो वही सीन है। मतलब क्या बोले, थोड़ा सा दुख है इस बात का कि वो चीज़ हो नहीं पाया। कोई नहीं, बर्थडे मनाते हैं अब आगे इससे ज़्यादा। तो गाइस अभी हम लोग बर्थडे मनाने आए हुए थे, नहीं बर्थडे बॉय जो गायब है, आ नहीं रहा, क्या किया जाए। घर से जाके लाना होगा, बेटा से झूठ बोलवा रहा है कि हम पापा सो गए हैं। क्या किया जाए बता, ऐसा इस आदमी को, आदमी के लिए कुछ करने वाला है बताइए। आदमी जो है अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे 11 बजे खड़ा है कि 12 बजे। थोड़ा देर बाद मैसेज कर देंगे गाइस, क्या कहेंगे पता है, मैसेज करेंगे सीधे कि भैया प्यार से बाहर आ जाइए, घर के पास शांति फैला देंगे, अपने बाहर आना पड़ेगा। उनके घर पे हमला करने जा रहे हैं, बस वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। तो बस काफिला निकल चुका है घर पे हमला के लिए, बस 2 मिनट में, बस 2 मिनट आदमी इतना के बाद भी बाहर नहीं आ रहा है, इससे इससे वर्स्ट बर्थडे कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं ना भैया, चला देते हैं जो हरकत किए हैं आप लोग, जो वेस्ट किए हैं फटाका। बोले भाई ऐसा ऐसा तक बर्थडे वेस्ट नहीं हो गया, फटाका वेस्ट का बात। बात तो ठीक कह रहे विकास लाइन में बता, प्यार से बाहर आ जाए, सीधे सीधे छोड़ेंगे पटाखा, बाहर आ जाए। विकास कुमार जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बाहर आ जाए। नहीं भैया जल्दी जाए, कम से कम उसी से उठ जाए। ए भाई क्या सारा क्या छेकने लगा हमने करे, ठीक है भाग रहा है, ठीक है ठीक है सर, क्या करें अब बताइए कि हम क्या करेंगे अब। मतलब आदमी इतना प्रिपरेशन करके आएगा बर्थडे मनवाने, बेइज्जती लिटरली हो, बेइज्जती हुआ है बताइए। भैया नहीं आइया, कल नहीं आएंगे, अब तुम्हारे पीछे तो हम लोग हाइड्रो फेंकते हैं। निशाना लगा के खिड़की के अंदर मारिए तो हाइड्रो, भाई तो वापस कैसे आएगा, वो टूट जाएगा, नहीं खुलेगा तो वापस कैसे आइएगा।
अब ये चीज बर्दाश्त के बाहर है। सही बताइए, ये तो गलत है। घर के अंदर बम मार देंगे, बाहर आइए कि नहीं हो सोच रहा हूँ। ऐसे नाम वाला गाँव वाला कल रेविस का सुइया दिखवाना। ये जो सब लोग राहुल भैया को मोटिवेट करके अंदर भेज दिया, नीचे से पूरे लिफ्ट पर लगेगा बूम बूम बूम, उलंगे करवा दो तुम लोग। भैया में भैया भैया, अब बाबूजी भी निकल गए उनके चक्कर में गेट पे। क्या निकाल दिया सारा कैमरा में देख रहे थे हम चाहते ही था ऐसा कुछ एडवेंचर हो। अरे बातचीत चला बातचीत चला भाई देख बहुत तो गाइज आज उसका बर्थडे है जिसपे सारा शहर बर्थडे मनाता है, विकास होटल, ये रहा विकास। मजा आया ना बर्थडे मनाने में, बर्थडे बहुत हुआ होगा, ऐसा बर्थडे हुआ है कभी? ऐसा बर्थडे हुआ कभी? अरे ऐसा बर्थडे हुआ कभी? नहीं ऐसा नहीं हुआ। घर पे चहल के बर्थडे मनाए आपके। निकल चुके हैं अपने काफिला के साथ, थोड़ा सा टहलने का तो हम लोग का नाइट वॉक होता है तो कुछ इसी टाइप का होता है। I feel like नीरज बवाना सब उधेड़ देंगे, रैप के में डॉन बने सारे इनको छेद देंगे, नाम चले एक नंबर गाड़ी बजे तेज बेटे रियल रहा सीन में और बंदे सारे फेक। I feel like दैया हो रहा हाइपर, कैसे फेम लेंगे अंडरग्राउंड 24 घंटे लाइफ तोड़े स्टेज बेटे, सबने देखे बड़े क्योंकि सबने करे चेज बेटे, आगे ढूंढे एक को वो करना चाहती प्ले स्ट्रेंज फैशन। यू सो गाइस फाइनली घर के पास मतलब ऑलमोस्ट गली के बाहर आ चुके हैं। तो आज तो मतलब हम लोग के तरफ से जो था सो था, कल भैया का पार्टी है तो कल मेन पार्टी है, मतलब बर्थडे का सेलिब्रेशन मेन कल है तो कल देखते हैं। तो गाइस अब आ चुके हैं घर पे और इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि हमको सोने के अलावा कोई चारा दिख नहीं रहा, तो सो जाते हैं अभी। ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ साथ देते रहिए। थोड़ा सा साथ थोड़ा सा कम थोड़ा सा लग रहा है, दे दीजिए प्लीज़।